तो गाइस वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। 2009 में ट्रॉपिकाना जूस वाले क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग चेंज कर दिया लोग, क्योंकि लगा कहीं को हंसना यार उस च्युइंग गम का यार था। अरे हाँ तो जनाब कहाँ है तुम फैक्ट्स का वीडियो शूट करना है। गाइस वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। तो आज का फैक्ट नंबर वन है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2009 में ट्रॉपिकाना जूस वाले $35 मिलियन डाले उन लोगों की पैकेजिंग चेंज करने, जरा खूबसूरत बनाएंगे डब्बे को बोल के बनाते कि लिटरली 2 मंथ्स में उन लोगों का 20% सेल ड्रॉप हो गया ना। गलती करती है, बहुत बड़ी गलती करे। और उसके बाद जैसा सेल डाउन हुआ शेयर्स भी डाउन हो गए, जिससे कंपनी को बहुत बुरा लॉस हुआ। तो खामोश क्या करे, हल्लू कोई भी नहीं देखे, जैसा पुरानी पैकिंग पे आ गए। तो ये पैकेजिंग चेंज करके वापस पुराने पैकेजिंग लाने में ये कंथों में लोग $50 मिलियन का नुकसान हुआ। सोचो जो आइडिया दिया नया पैकेजिंग डालेंगे बोल के, क्या करे होंगे, उसको लात मार के निकाले होंगे। कहाँ रहे हो, कौन बोला था न्यू पैकेजिंग बोल के। तुम्हारे फैक्ट में बात करो, मेरे जोक्स रुइन कर दे रहे हो। देखो भाई अच्छी चीज को छेड़ना नहीं, क्या आरती बोलना क्या चाह रहे? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सही है कि नहीं? हाँ सही है ना? नहीं अच्छी चीज को नहीं छेड़ना बोल रहा हूँ मैं, और क्या कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ। नए पैकेजिंग वैकेजिंग करे, अच्छी पैकेजिंग चल रही, न्यू पैकेजिंग में गए बाला वाला कटा के। पैक नंबर टू, एक 18 इयर्स ओल्ड बच्ची का बस एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके दो हाथ भी चले गए थे। तो उसका आर्म ट्रांसप्लांट हुआ और जो हाथ दिया था उसका डार्क और हेरी हैंड था। तो फिर क्या हुआ, अनइवन दिख रहा था, ऑड दिख रहा था। फिर क्या हुआ मालूम, थोड़े साल के बाद इवन टोन हो गया। अरे इसके तो सेंटेंस का क्रीम लगाई शायद उन्हें। फेयर एंड लवली लगा रही थी उन्हें। गाइस उन्हें हेयर एंड लवली से जाके फेयर एंड लवली हो गई। नेक्स्ट फैक्ट बोल। ठीक है। फैक्ट नंबर 3, 1996 में हांगकांग में एक गैंगस्टर था द बिग स्पेंडर बोल के, आखिरी भाई बिग स्पेंडर, उड़ाता था पैसे। तो क्या करा मालूम उन्हें, एशिया के रिचेस्ट मैन के बेटे को किडनैप कर लिया। किडनैप करके बोला भाई मेरे को $160 मिलियन होना तब छोड़ता हूँ तेरे बेटे को बोले। तो इन्हें क्या बोला, भाई बहुत महंगा बोल रहे हैं, $160 मिलियन के उतना तो वर्थ नहीं है, उन्हें 4-5 लाख बोले तो क्या है कि जब सोच सकते हैं बोल के। नहीं यार ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली उन्हें दे दिया $160 मिलियन पूरे दे दिया। भाई रिचेस्ट मैन है, उसको फर्क भी नहीं पड़ा होगा, दे दिया उसको पैसे, बच्चा भी आ गया, बच गया उन्हें। $160 मिलियन कितने हो रहे हैं मालूम, 1000 करोड़ के ऊपर हो रहे हैं भाई। पैसे आ गए गैंगस्टर के पास, बच्चा भी बच गया। गैंगस्टर उसको फोन करके पूछ रहा, भाई मेरे पास $160 मिलियन है, इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, किधर करना सही रहेगा कहते। शरीफ हो गया भाई उन्हें, बिग स्पेंडर जाके बिग इन्वेस्टर हो गया उन्हें। सेम अंदाज अपना अपना में तेजा कैसा हो जाता चेंज, पैसे आते कि मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, अंडे भी दूंगा, ब्रेड भी वही दूंगा, वैसी शॉर्ट है समझो। अंदाज अपना अपना कौन सा मूवी है? क्या बोली तू, अंदाज अपना अपना नहीं देखी? फैक्ट्स खत्म होते ही पहली चीज अंदाज अपना अपना देखना है। ठीक है फैक्ट बोल अब नेक्स्ट। फैक्ट नंबर 4, कोस्टारिका में एक मगरमच्छ को कोई गोली मार दिए थे तो एक फिशरमैन देख लिया और जाके उसको पूरा ठीक करा, इलाज करा। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ मालूम, डोर खोलते कि फिशरमैन के घर के सामने क्रोकोडाइल है। 20 साल तक वो लोग दोस्तान थे। 20 साल तक तो इंसानों की दोस्ती कायम नहीं रहती, ये तो एक जानवर है। अच्छा जान दो गुलजार साहब, नेक्स्ट फैक्ट बोलो। फैक्ट नंबर 5, बुर्ज खलीफा इतना टॉल है उस पर ठहरे ना चांद को छी सकते कहते। नहीं इतना भी टॉल नहीं है, लेकिन इतना टॉल है आप ऊपर ठहरे तो कहते, जब सन ग्राउंड लेवल पे सेट हो जाता ना फिर भी अपने को थोड़े मिनट्स तक दिखता कहते। तो ये देख के वहाँ के मौलवियाँ बोले, रमजान में अगर आप रोजा है तो 80th फ्लोर के ऊपर जो भी रहेगा एक थोड़े मिनट्स 2-3 मिनट के बाद रोजा खोलना कहते। देखो याद है दुबई में सायरन होते कि मैं कैसा 79th फ्लोर पे चल जाता था। तो वाकई फैक्ट है कहते, जबरदस्त दिखा मेरे को ये फैक्ट, बहुत अच्छा दिखा। तुम बोलो नेक्स्ट फैक्ट क्या है। फैक्ट नंबर 6, फरारी का मर्चेंडाइज जो भी है जैसे कि की चेन, सनग्लासेस, हैट्स वगैरह वगैरह जो भी फरारी से एसोसिएटेड है ना, वो लोग को ईयरली 2.5 बिलियन का प्रॉफिट होता कहते मालूम। वो लोग को उतना कार्स में भी नहीं होता कहते। अरे हां आप इस कितने के लेते थे बचपन में पूरे फरारी के? हां की चेन्स वो परफ्यूम, हां फरारी के ऊपर मसला है रे। बोलो नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स जो सिटकॉम है आप लोग देखे होंगे,
वो खत्म हो गया, 20 साल हो गए, लेकिन अब तक भी उन लोगों की कास्ट मेंबर जो मेन कैरेक्टर्स है पांच, उन लोग हर साल $20 मिलियन कमाते। जो उन लोग काम 20 साल पहले करके छोड़ दिए, अब तक भी उन लोग हर साल 20 मिलियन कमाते। अगर वो पर डे काउंट करें तो $54,000 हो रहे, जो कि हर दिन उन लोग 40 लाख रुपए कमा रहे। 2 रुपए नहीं कमा सक रही मैं इधर। 1984 में एक आदमी एक पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट को गया, जिसमें उन्हें वेट्रेस से जाके पूछा कि मैं लॉटरी खेल रहा हूँ, ज़रा मेरे को नंबर दे दो, कुछ भी रैंडम नंबर बोल के। तो उन्हें रैंडम नंबर दे दिए, तो वही नंबर से उन्हें लॉटरी जीत गया और वापस आके वेट्रेस को $3 मिलियन की टिप दिया था, विच इज़ 22 करोड़। 3 मिलियन में कैलकुलेट करा, बी 22 करोड़, विच इज 22 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज। शिट, क्रेजी हो गया। नेक्स्ट फैक्ट, आ जाओ बाहर सदमे से, क्या लग रहा है यार लोगों की। फैक्ट नंबर 9, पर्शियन किंग आगा मोहम्मद खान क्या करा बोले तो, 2 सर्वेंट्स को एग्जीक्यूट कर देने का ऑर्डर दे दिया। कई को बोले तो उस दिन ईद थी भाई, तो सर्वेंट्स क्या है जरा फ्रेम छोड़ दिए थे, एकदम जरा लाउड हो रहे थे, मजाक कर ले रहे थे। किंग देखा वल्लू देख के इसकी फिर गई, ओवर इच कर दे रही, इन लोगों को मार दो बोल दिया। किंग्स पहले के पागला रहते थे, लेकिन फिर उसको रियलाइज हुआ, अरे अजीत है भाई जान दो, आज ना को कल मारो इन लोगों को। बोला सर्वेंट्स क्या करे, इन्हें अपने कल मारता हूँ बर्रा, इसको आज ही खत्म कर देंगे। बोल के क्या करे, सीधा रात में किंग सो रहा तो जाके चाकू लेके भग 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 भूख दिया ना। शिट, इसलिए बोलते देखो कल का काम आज कर बोल के, अगर उन्हें कल का काम आज कर देता तो बच जाता था। सही में कुछ सीखो। मैं सीखूं? हाँ? नेक्स्ट फैक्ट बोल रहा भाई, बेकार जोगा करती। फैक्ट नंबर 10, एक जापानीज मैन के फ्रिज में से खाना थोड़ा थोड़ा रोज गायब हो जा रहा था, तो उन्हें क्या करा, CCTV लगा दिए। तो उसको ये चीज मालूम हुआ कि उसके घर में 1 साल से एक होमलेस औरत रह रही थी और उन्हें आके खाना खा ले रही थी। अरे तो कहाँ से निकली उन्हें, उसके दिखा क्या सीसीटीवी में? हाँ, उसके वार्डरोब के ऊपर खाने में रह रही थी कहते उन्हें। अब्बा कितने बार उन्हें छुप गए होंगे। नहीं हाँ, तेरे ऐसी दिख रही है, खाली घर में रह रही, खाना खत्म कर रही, कुछ काम तो नहीं कर रही है। तो गाइस, अमेरिका का जो फर्स्ट मून लैंडिंग का ओरिजिनल वीडियो था ना, जब उन्होंने पहली बार मून पे कदम रखे, उसका जो ओरिजिनल वीडियो था ना, कैसेट कैसा संभाल के रखना, डिलीट हो गए वो। कैसा हुई मालूम, उसके ऊपर कुछ और चीज रिकॉर्ड कर दी गई। क्या रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जॉन का वलीमा। मून की वीडियो देखेंगे बोल के डालते कि एकदम जॉन आई डू बोल रहा उधर, या फिर उन्होंने लैंड इश नहीं हुए मून पे। फैक्ट नंबर 12, न्यूयॉर्क में एक जना $3 दे के बॉल खरीदा था और बाद में जाके उसको मालूम हुआ वो एक एंशिएंट चाइनीज बॉल है, वो निकला नॉर्थर्न सॉन्ग डायनेस्टी का द डिंग बॉल। तो फिर उन्हें ऑक्शन करा, ऑक्शन में उसको $2.2 मिलियन आए। चाइनीजों का और डायनेस्टी का बहुत क्रेजी रहता भाई, वो डायनेस्टी के जो चीज़ें रहते हैं उन लोग को बहुत बहुत वैल्यू करते, वो चीज़ें बहुत महंगे बिकते हो। तो उन्हें $3 में खरीदा बोले तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2.2 मिलियन डॉलर 16 करोड़, तो उन्हें ₹200 में खरीदा, 16 करोड़ में बेचा। क्या किस्मत है भाई लोगों के। फैक्ट नंबर 13, 1997 में व्लादिमीर मार्कोव बोल के एक पोचर था, जंगलों में जो जानवरों को मारते नहीं, तो जंगल में फिलेरा भाई ऐसी चुनू, एकदम उसको शेर दिखा, एक जानवर को मार के खा लेते, बटा हुआ था शेर, मस्त मजे कर ले रहा था, गन लेकर टाइगर को गोली मारा उन्हें, टाइगर बच गया लेकिन गोली लग गई उसको, और जो उन्हें टाइगर जो खा रहा था ना वो उठा लेके इन्हें घर को ला लिया, इन्हें खा लेने, मस्त फ्री किल मिल गया बोल के। इसको नहीं मालूम वो टाइगर इसका पीछा कर रहा था, 1 से 2 दिन उसको घर के बाहर, उसके कैबिन के बाहर ठहर के स्टॉक करा, सही मूवमेंट देख के उसको मार के खा लिया। तो अब भी वो क्रोकोडाइल का फैक्ट बोली, उन्हें बेचारा हेल्प करा तो उसका दोस्त बन गया, इन्हें टाइगर को मारते पीछा करके इसको आगे मार दिया। इससे ये मालूम बोला क्या है मालूम, तुम हिंदी में बोले मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, इससे ये मालूम हो रहा छेड़ लेना नहीं, एनिमल्स को छेड़ लेना, ऑलवेज बी गुड टू एनिमल्स। फैक्ट नंबर 14, जोमी मिक्स एक क्रिमिनल था जिसका मगशॉट इतना वायरल हो गया ओवरनाइट, इतना वायरल हो गया, इतना गुड लुकिंग है बोल के। उन्हें जब जेल में था जब उसको मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, उन्हें 13 मंथ्स के बाद जब निकला था जेल से, जब ही उन्हें न्यूयॉर्क फैशन वीक पे चला, मिलान फैशन वीक में चला, खुद की फैशन लाइन खोल लिया, एक्टिंग भी कर लिया उन्हें। जेल को जाना पड़ता मेरे को। फैक्ट नंबर 15, स्लोवेनियन ये नाम है देखो इसका मेरे को पढ़ने नहीं आया क्या किच नाम है इसका, तो इन्हें 22 साल की पोटी है क्या करी, 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाल ली,
फ्रॉड करने के चक्कर में खुद का हाथ काट ली ना, पकड़े गए। इंश्योरेंस वाले कैसे रहते, देख के बोल देते इन्हें झूठ बोल रही पैसे खाने बोल के, तो पकड़े गए। अगर उन्हें नहीं पकड़े जाती तो $1.2 million कमा सकती थी, जो कि है 9 crores। तो गाइस कमेंट करो, क्या आप 9 crore के लिए अपना हाथ काटेंगे? कमेंट करो येस और नो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो और मिलेंगे अपन नेक्स्ट फैक्ट वीडियो में। दुआ में याद, स्टे खीरा। कहाँ जा रही, अंदाज अपना अपना देखना है। वाह।